दोस्तों आज हम लोग वर्ल्ड मैप के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। सबसे बड़ा एशिया, नंबर टू अफ्रीका, नंबर थ्री नॉर्थ अमेरिका है अर्थात उत्तरी अमेरिका है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा महादेश है। नंबर वन एशिया, नंबर टू अफ्रीका, नंबर थ्री यूरोप और नंबर फोर्थ उत्तरी अमेरिका। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय स्थिति के आधार पर, लेकिन देशांतरीय स्थिति के आधार पर यह पश्चिमी देशांतर में स्थित है। अगर इसके मैप पे चले और मैप पर विचार करें, यहाँ देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका का मैप यहाँ ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है। ये आपका उत्तरी अमेरिका का मैप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम विषुवत रेखा देखते हैं तो ये विषुवत रेखा है और इसके उत्तर में है, लेकिन अगर हम लोग देशांतरीय स्थिति पर इसको देखते हैं तो देशांतरीय स्थिति तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जो है यहाँ पर ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। तो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है जो यूरोप और अफ्रीका से गुजरा हुआ है। तो इस तरह से प्राइम मेरिडियन से उत्तरी अमेरिका पश्चिम में स्थित है, इसलिए यह देशांतरीय आधार पर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एरिया, तो अकॉर्डिंग टू एरिया जो हम लोग देखते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये फोर्थ लार्जेस्ट है। नंबर वन कौन? एशिया। नंबर टू अफ्रीका। नंबर थ्री कौन? तो ये यहां पर आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नंबर फोर्थ जो है वह आपका उत्तरी अमेरिका है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ये आप यहां मैप में देख रहे होंगे, यही आपका उत्तरी अमेरिका है। अब हम लोग इसका डिटेल्स मैप पर आते हैं। दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका का मैप है, तो उत्तरी अमेरिका के मैप में हम लोग देखते हैं जो मेन कंट्रीज है वह आपका कंट्रीज कौन कौन सा है, तो ये कनाडा है, ये आपका यूएसए है जिसके नाम पर इस महादेश का नाम अमेरिका रखा गया है, ये मैक्सिको है और यहाँ पर एक कैरेबियन कंट्री है और ये जो है ये आपका सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है। ये देखिए यहाँ एक ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को देखे तो ये जो ग्रीनलैंड है मूल रूप से अगर देखते हैं तो ये अमेरिका महादेश में है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम लोग अमेरिका के बॉर्डर एरिया को देखिए तो अमेरिका के उत्तर में क्या है? अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर होगा, उत्तर वाला भाग में आर्कटिक का एरिया होगा। पश्चिम में इधर आपका पश्चिम के भाग में प्रशांत महासागर होगा, पैसिफिक प्रशांत महासागर और इधर अटलांटिक महासागर, और ये आपका दक्षिण में तो देखिए पनामा नहर जो पनामा कंट्रीज में है वह आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। तो इसके दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग दक्षिण में स्थित है। तो इस तरह से यहां हम लोग ने अमेरिका के उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी पश्चिमी सीमा अर्थात अमेरिका का जो चारों तरफ से जो सीमा है किस किस क्षेत्र से घिरा हुआ है और कौन कौन सीमाओं से लगा हुआ है इसके बारे में देखें। दोस्तों यहां पर ये देखिए ये आपका
एक बेरिंग स्टेट का एरिया है। बेरिंग स्टेट जो है वह अमेरिका को एशिया से अलग करता है। यह रूस का एशिया वाला पार्ट है और यह अमेरिका का अलास्का का पार्ट है। तो बेरिंग स्टेट एशिया और अमेरिका को अलग करता है और बेरिंग स्टेट से ही इंटरनेशनल डेट लाइन होकर गुजरती है, अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं और बेरिंग स्टेट से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर गुजरती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इसके सीमावर्ती क्षेत्रों को देखा। अब हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका में तीन महत्वपूर्ण मुख्य जो देश है वो तीन है, जिसमें सबसे उत्तर में उत्तरी अमेरिका के कनाडा है, सबसे उत्तरी भाग में कनाडा है और कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों यह जो एरिया है यही आपका क्या है, कनाडा है। और कनाडा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कनाडा की सीमा जो है वह आपको अमेरिका से इधर अटलांटिक ओशन से और इधर आर्कटिक सी से और इधर पैसिफिक सी से मिलती है। मतलब कनाडा तीन ओर से तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, सिर्फ दक्षिण में यूएसए से घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो देश है वह आपका कनाडा है। यह एग्जाम में बार बार पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश जो है वह आपका कनाडा है। अगर हम इसके दूसरे देश पर बात करें, यहां पर यह जो कंट्री दिख रहा है यह यूएसए है, जो कि विश्व के एक विकसित देशों में से एक है। ये आपका यूएसए है, यूएसए का ए एरिया है। तो यूएसए उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूएसए उत्तरी अमेरिका का पहला बड़ा देश है। तो ये आपका यूएसए कंट्री हुआ, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ इंडिकेट किया है। अगर इसका हम मैक्सिको के देखते हैं तो ये आपका यहाँ मैक्सिको, मैक्सिको एक अन्य कंट्री है, मैक्सिको इसका एक अन्य कंट्री है। मैक्सिको के मैप पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। तो ये आपका मैक्सिको है और मैक्सिको के नीचे वाला भाग को सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है। तो अमेरिका महादेश में इस तरह से अगर हम लोग देखें तो तीन देश हैं और छोटे छोटे भी देश हैं। टोटल देशों की संख्या अमेरिका महादेश में 24 है, टोटल कंट्रीज की संख्या अमेरिका महादेश में 24 है, लेकिन तीन ही यहाँ लार्जेस्ट कंट्रीज है और जो भी है वह द्वीपीय देश या छोटे छोटे देश है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अमेरिका के फिजिकल मैप पर। अब देखिए, अब हम लोग जो आते हैं यह अमेरिका का फिजिकल मैप है। तो अमेरिका में यहाँ देखिए ये अलास्का है, ये आपका अलास्का है, जो कि अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, जिसमें से दो राज्य मुख्य भूमि से अलग है, एक अलास्का और एक हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है। तो इस तरह से इसका दो जो स्टेट है मुख्य भूमि से अलग है। अगर अलास्का में ही देखिए, यहाँ ये माउंट मैकिनले है जो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अलास्का में माउंट मैकिनले है जो उत्तरी अमेरिका में सर्वोच्च चोटी है, माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले।
उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 6,194 मीटर है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में यहाँ पर ये आपका यह रॉकी माउंटेन है जो कि उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पर्वत है और एक एसियारा नेवाडा है, एक कास्केडियन रेंज है। तो हम लोग रॉकी माउंटेन, कास्केडियन रेंज और सियारा नेवाडा देखे। अगर यहाँ ये अपलेशियन माउंटेन है तो अपलेशियन माउंटेन के क्षेत्र में ही अमेरिका में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, अपलेशियन माउंटेन के क्षेत्र में। अब हम लोग अमेरिका के ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम लोग अमेरिका के पांच ग्रेट लेक्स के बारे में विचार करते हैं। अमेरिका में जो सबसे बड़ा लेक है लेक सुपीरियर है। कौन सा? लेक सुपीरियर जो फ्रेश वाटर का लेक्स है। यहां पर ये देखिए ये ग्रेट लेक्स है जिसमें ये लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरर, लेक इरी और यहाँ लेक ओंटारियो। आपको इसका क्रम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम हॉल्स में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं तो सुपीरियर मिशिगन, हुरा आपका ईरी और ओंटारियो। मतलब आप इसका एक ट्रिक बना सकते हैं कि एस एम एच ई ओ क्या है। तो ये अमेरिका का ग्रेट लेक्स है जो वेस्ट टू ईस्ट सजाया गया है, सुपीरियर मिशिगन हुरर ईरी ओंटारियो। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि आपको याद करना जरूरी होगा क्योंकि बार बार ये एग्जाम्स में पूछता है। अब यहीं पर देखिए अमेरिका में ही, अमेरिका में अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ ग्रेट साल्ट लेक है, ग्रेट साल्ट लेक जो उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक सलाइन लेक है, सबसे अधिक लवणीय लेक है। कौन सा? तो ग्रेट साल्ट लेक। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अमेरिका में फ्रेश वाटर लेक्स भी देखे और ग्रेट साल्ट लेक भी देखे। यहाँ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और ये यहाँ न्यूयॉर्क है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका और कनाडा की सीमा है, अमेरिका और कनाडा की सीमा है और ये यहाँ पर ये आपका मैक्सिको और अमेरिका की सीमा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ तो कुछ डेजर्ट्स भी उत्तरी अमेरिका में है। अमेरिका में जो दो प्रमुख डेजर्ट है एक सो ने रन और दूसरा मो जाबे, ये यहाँ पर दो प्रमुख डेजर्ट है। तो यहाँ इस एरिया में डेजर्ट्स है जिसका अमेरिका और कनाडा दोनों क्षेत्रों में प्रसार है, सोनोरन और मोजाबे अमेरिका के दो प्रमुख डेजर्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये देखिएगा ये आपका मैक्सिको का एरियाज है, ये मैक्सिको का एरियाज है और मैक्सिको में मैक्सिको सिटी यहाँ इसकी राजधानी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, एक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है। अगर हम यहाँ देखें मैक्सिको में तो मैक्सिको में सियारा माड्रे ओरिएंटल और ए सियारा माड्रे ऑक्सीडेंटल ये दो प्रमुख मैक्सिको के क्षेत्र है। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है यह एरिया आपका क्या है? तो यह एरिया मिडिल अमेरिका है या सेंट्रल अमेरिका है। यहाँ कैरेबियन सी है, यहाँ पर एक कैरेबियन सी है और ये पूरा आपका जो एरिया हुआ ये सेंट्रल अमेरिका है और इधर ए पैसिफिक ओशन है। अब हम लोग
देखते हैं मैक्सिको का अलग एक मैप देखते हैं और एक कैरिबियन सी का अलग मैप देखते हैं। यहाँ ये जो मैप है यह आपका मैक्सिको का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये पूरा एरिया ये मैक्सिको है, ये आपका यहाँ और ये पूरे इस एरियाज में ये मैक्सिको है। अब मैक्सिको में इबाजा पेनिसुला है, इबाजा पेनिसुला ए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ए पैसिफिक ओशंस का क्षेत्र है। ये यहाँ मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और ये सियरा माड्रे वाला एरियाज है और ये सियरा माड्रे ये भी सियरा माड्रे है ऑक्सीडेंटल और ये सियरा माड्रे ओरिएंटल वाला एरिया है और एक सियरा माड्रे डेल सूर, सियरा माड्रे डेल सूर का एरिया ये है। और ये इस तरह से आपका मैक्सिको हुआ। तो अमेरिका के तीन प्रमुख जो देश है उसमें से नंबर वन कनाडा एरिया के अकॉर्डिंग, नंबर टू यूएसए और नंबर थ्री जो है वो मैक्सिको है। मैक्सिको दोस्तों, अब हम लोग आते हैं मिडिल अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका पर। ये देखिए आपको जो मैप दिख रहा होगा यह मिडिल अमेरिका का मैप है, या हम इसको सेंट्रल अमेरिका कहें या मिडिल अमेरिका कहें। तो इसमें छोटे छोटे कुछ देश है और यहां पर पनामा एक कंट्री है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है और यहीं पर पनामा नहर बनाया गया है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगर हम लोग यहाँ अदर अदर देश जो प्रमुख है तो यहाँ देखिए एक ग्वाटेमाला है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ ए अल सलवाडोर है जिसकी राजधानी सन सलवाडोर है, ए होंडुरस है, ए निकारगुआ और यहाँ पर कोस्टेरिका जिसकी राजधानी सान जोस है। अगर हम देखते हैं तो ये कुछ प्रमुख देश है किसका, सेंट्रल अमेरिका या मिडिल अमेरिका का। अगर हम लोग देखें ये आपका क्यूबा, तो क्यूबा का मैप यहां पर देखिए, एक क्यूबा का मैप है। क्यूबा उत्तरी अमेरिका में एक द्वीपीय देश है और यह द्वीपीय देशों में एक महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्यूबा विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। और यहां पर क्यूबा जो है वह सोवियत संघ का समर्थक था शीत युद्ध में और यहां पर भी समाजवादी अर्थव्यवस्था शीत युद्ध के दौरान था। अब क्यूबा में देखे तो देखिए एक क्यूबा की राजधानी हवाना है, ए सियरा डेल लॉस ऑर्गन्स है, ए सियरा मेस्ट्रा है। ये कुछ क्यूबा के प्रमुख क्षेत्र है और क्यूबा कहां पर स्थित है, तो क्यूबा अटलांटिक ओशंस में, अटलांटिक ओशंस में स्थित है। ये आपका यहाँ ए जमैका है जिसकी राजधानी किंगस्टन है। अब हम लोग कुछ अन्य द्वीपीय देश के बारे में देखते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने क्यूबा के मैप के बारे में देखे थे, अब हम लोग कैरेबियन सी के कंट्रीज के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कैरेबियन सी ऑलरेडी इंडिकेट है और यहाँ पर जो प्रमुख देश है ये प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको यहाँ पर ये आपका सेंट किट्स एंड नेविस है और ये यहाँ पर सेंट ल्यूका है, ए आपका एंटीगुआ एंड बारबुडा है, ए ग्रेनेडा है। ये कुछ प्रमुख कैरेबियन कंट्री है और यहाँ पर ए हैती है,
यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये आपका कैरिबियन कंट्री है। अगर हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखे थे कि सबसे बड़ा जो देश है उत्तरी अमेरिका का वह कनाडा है, और सबसे छोटा जो देश है सेंट किट्स एंड नेविस। तो सेंट किट्स और नेविस जो कंट्री है वह आपका सबसे छोटा देश है उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कैरिबियन कंट्रीज को दर्शाया गया है इस मैप में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों को मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के बारे में ही देखना था, तो उत्तरी अमेरिका में हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका के देश जो है उसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको तीन महत्वपूर्ण बड़े देश है, कुछ कैरेबियन देश है और कुछ सेंट्रल अमेरिका में, ये जो सेंट्रल अमेरिका का ये पार्ट्स में कुछ देश स्थित है। और ये भी यहाँ देखे कि उत्तर अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जिसमें से दो इसका राज्य जो है वह मुख्य भूमि से अलग है। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा महादेश है जिसमें विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश से आपको टुंड्रा टैगा जलवायु प्रदेश तक पाया जाता है, अर्थात ये यहाँ आपका विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र तक के एरियाज में फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यह अमेरिका की एक विशेषता है, यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्र में अमेरिका में अधिक वर्षा होती है, वही टुंड्रा टैगा के क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, और टुंड्रा टैगा के क्षेत्रों में सालों भर हिमाच्छादित रहता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस हुआ। दोस्तों हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।